फ्रेंड्स, कल जो है Xiaomi Redmi Note 5 Pro का अपडेट आया था, जो कि था 10.0.1.0, जो कि एक स्टेबल वर्जन था MIUI का। तो उसका जो है मैंने थोड़े से मतलब यूज़ करने के बाद कल से, तो आज मुझे मतलब थोड़ा सा उसमें बग्स लगा, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़। और सबसे पहला जो इसमें बग है वो है, जो आप अगर इसमें आपने बैक स्क्रीन गेस्चर लगाया हुआ है वीडियो में, तो आप देखोगे जो बैक गेस्चर जो एनिमेशन होता है वो इसमें आपका अनेबल ही रहेगा, वो डिसेबल करने का ऑप्शन Xiaomi ने हटा दिया है। ये पता नहीं क्यों एनिमेशन Xiaomi ने हटा दिया है MIUI 10 में से, जबकि MIUI 9 में भी था। सो ये मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा है। सेकेंड जो है वो है, जो आप थीम चेंज करेंगे, कोई मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप थीम चेंज करेंगे, तो जैसे मैंने ये थीम लगाया, तो थीम चेंज करने के बाद जो इसका थीम का स्टेटस बार होता है, वो स्टेटस बार आपको जो MIUI 10 का ओरिजिनल स्टेटस बार है आपका वही रहेगा, जो चेंज नहीं होगा आपके थीम के साथ। तो एक ये बग है इसमें। और थर्ड जो है, थर्ड कोई बग नहीं है, जो कि पिछले भी MIUI 9 में भी था, कि पोर्ट्रेट मोड में जूम का ऑप्शन नहीं था और 4K रिकॉर्डिंग अभी भी नहीं है आपके इसमें। नेक्स्ट जो है कि पबजी जो आप खेलते हैं, तो पबजी में आपको HD ग्राफिक्स का ऑप्शन अभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि HD ग्राफिक्स MIUI 9 में भी नहीं था और अभी भी नहीं है। लास्ट मैं बताऊंगा कि आपको बैटरी ड्रेन इसमें बिल्कुल जैसे आपको MIUI 9 स्टेबल में मिलता था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एकदम बैटरी ज़्यादा जल्दी नहीं गिर रही है, ठीक चल रही है बैटरी, आपको ठीक बैकअप दे देगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।